हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर आज बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर कारण बताया गया है कि क्यों रोका गया था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिणाम रोकने के लिए एसटीएफ ने लिखे थे 3 पत्र, उसके बावजूद भी यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट जारी किए, उसके बाद रोक लगा दी गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणामों पर। तो फ्रेंड्स, ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, दिन रविवार 7 जुलाई 2019, पेज नंबर 6, अमर उजाला की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। पत्र को दरकिनार कर जारी किया गया एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। 10,768 पद पर होनी है भर्ती, 1,343 पदों का घोषित हो चुका है परिणाम। तो आज की बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, एसटीएफ का छापा पड़ने तक 7 विषयों में 1,343 पदों का परिणाम किया जा चुका था घोषित। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम रोकने के लिए एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 3 पत्र जारी किए थे, लेकिन आयोग ने इन पत्रों को दरकिनार कर रिजल्ट घोषित कर दिया। एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पद पर भर्ती होनी है, जिसमें 1,300 से अधिक पदों के परिणाम आयोग ने घोषित किए हैं, और ये सभी परिणाम एसटीएफ की ओर से परीक्षा परिणाम रोके जाने संबंधी पत्र जारी होने के बाद घोषित किए गए। इन 3 पत्रों के अलावा एसटीएफ की ओर से पहला पत्र 4 जनवरी 2019 को आयोग के सचिव को भेजा गया, जिसमें उन 50 अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे जिन पर नकल करने का आरोप लगा था। एसटीएफ के आयोग ने इससे संबंधित सूचना मांगी थी। इसके बाद 8 फरवरी और 12 फरवरी 25 फरवरी को एसटीएफ ने आयोग के सचिव को 3 अलग अलग पत्र भेजे, जिसमें कहा गया कि एसटीएफ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले की जांच कर रही है, इसलिए जाँच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम विलंबित रखा जाए। इतना कुछ होने के बाद भी एसटीएफ के पत्र को दरकिनार कर दिया गया, और आयोग ने 16 मार्च 2019 को संगीत पुरुष शाखा में 8 और कृषि विषय में 19 पदों का पहला चयन परिणाम जारी कर दिया। इसके बाद लगातार रिजल्ट जारी होते रहे, और आयोग में एसटीएफ का छापा पड़ने तक 7 विषयों के 1,343 पदों का परिणाम घोषित किया जा चुका था। आयोग ने इन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया था, ताकि उनकी नियुक्ति की संसूचना शासन को भेजी जा सके। अब सवाल उठ रहा है कि आयोग ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया और रिजल्ट जारी करने में जल्दबाजी क्यों की। आयोग ने एसटीएफ की परीक्षा संबंधी दस्तावेज देने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आयोग की याचिका निरस्त करने के बाद अब आयोग को परीक्षा संबंधी दस्तावेज एसटीएफ को सौंपने होंगे। साथ ही बदली परिस्थितियों में आयोग के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाकी विषयों का रिजल्ट जारी करना भी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर बाकी रिजल्ट भी फंस चुके हैं बुरी तरह से, तो पहले ही फंसे हैं। तो यहाँ पर परिणाम रोकने के लिए एसटीएफ ने 3 पत्र भेजे थे यूपीपीएससी को, लेकिन यूपीपीएससी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, और उसके बाद 1,343 पदों पर परिणाम घोषित किया। तो फ्रेंड्स, ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी, और भी लेटेस्ट न्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करा देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले।